चलिए शुरू करते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका पांचवा, क्या नाम है, स्क्रू थ्रेड और गियर का मेजरमेंट करना है। स्क्रू थ्रेड का कैसे मेजरमेंट करते हैं, अब स्क्रू थ्रेड के बारे में आपको बताया जाएगा। गियर भी आप टोम में पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ मशीन में आपको गियर पढ़ाया गया होगा, तो उन्हीं से उन्हीं के मापन कैसे करेंगे, उनके डिफरेंट टर्म्स होते हैं, उनका मापन हम कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम पहले कोई भी मापन करने से पहले हम उनके बेसिक के बारे में जानेंगे, जैसे स्क्रू थ्रेड क्या होता है और गियर क्या होता है। तो स्क्रू थ्रेड पहले होता क्या है इसके बारे में आप जान लें कि जो भी आप काट देखे होंगे किसी भी सतह पे, एक चूड़ीदार काट बनी होती है, तो वो जो चूड़ी है वो स्क्रू थ्रेड होता है। थ्रेड को हिंदी में चूड़ी कहते हैं। और स्क्रू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पेंच लगाना होता है, तो उसको स्क्रू थ्रेड कहा जाता है। अब स्क्रू थ्रेड होता क्या है, किसी भी वक्री सतह पे मान लीजिए कोई भी सर्कुलर सरफेस है, कोई भी सर्कुलर सरफेस है, तो उस पर कोई काट बना दिया जाए, एक नाली जैसा काट बना दिया जाए। अब वो कैसा काट रहे, कुंडलीदार रहे। कुंडलीदार का मतलब होता है हेलिकल, मतलब ऊपर से शुरू हो और नीचे तक वो काट हम बनाते जाएं, तो उसमें कुछ ऊंचे सतह मिलेंगे और कुछ गड्ढे टाइप के। तो जो वो फॉर्म या आकार मिलेगा उसको हम लोग स्क्रू थ्रेड कहते हैं। अब हमें स्क्रू थ्रेड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, किसी को स्क्रू थ्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, इसका दो काम है कि दो कामों की वजह से स्क्रू थ्रेड का मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसकी यूज़ होते हैं, उसकी ज़रूरत लोगों को पड़ी। पहला जो काम है, अगर कहीं भी पावर ट्रांसमिशन करना हो, पावर ट्रांसमिशन का मतलब होता है शक्ति पारेषण करना हो एक जगह से दूसरे जगह या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, तो वहाँ पे आप देखेंगे स्क्रू थ्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल लीड स्क्रू देखे होंगे लेफ्ट में, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, पावर ट्रांसफर हो रहा होता है उसके थ्रू। तो वहाँ पे जो स्क्रू लगा होता है, जो वहाँ पे थ्रेडिंग बनी होती है स्क्रू थ्रेड पे, पूरा शाफ्ट होता है उस पर बनी होती है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल इसलिए किया गया रहता है कि वहाँ से हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर देते हैं। अब दूसरी जगह ये है कि अगर कहीं हमको फास्टनिंग करना है, फास्टनिंग का अर्थ होता है सिंपल सा किन्हीं दो सब्सटेंसेस को क्या करना है, जोड़ना है, तो ऐसी जगहों पे भी हम थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कितने तरह का थ्रेड होता है। जनरली हमारे जो सिलेबस में वी फॉर्म थ्रेड से है, वी फॉर्म थ्रेड का मतलब होता है कि जो वी शेप्ड में देखे, वी शेप में हो, आगे मैं उनका फिगर भी दिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारे थ्रेड होते हैं, बहुत प्रकार के थ्रेड होते हैं। आपको सबके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वी थ्रेड का अधिक मेजरमेंट करना है। अब वी थ्रेड जो होता है, और भी थ्रेड फॉर्म्स यहाँ आपको लिखे हुए हैं, उनके चित्र भी मैं क्या आगे दिखाऊंगा, पहले उनके नाम को आप देख लें कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, इसका फोटो अभी दिखाऊंगा, इसके बगल में ही है अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड, ये भी थ्रेड का ही टाइप है, इसका अलग फॉर्म होता है। फॉर्म का मतलब होता है बनावट, कैसी थ्रेड की या चूड़ी की बनावट है, दिखता कैसा है चूड़ी, दिखने में कैसा है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, नकल थ्रेड, बटरेस 45 डिग्री, एक्मे थ्रेड, यूनिफाइड थ्रेड, ये सारे के सारे थ्रेड के प्रकार हैं। जैसे वी प्रकार का एक थ्रेड होता है जो जनरली हर जगह इस्तेमाल होता है, तो वी प्रकार के थ्रेड को ही हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो वी प्रकार का थ्रेड जो है वो तीन प्रकार का होता है, आपको मैं बता देता हूँ। एक ब्रिटिश थ्रेड होता है, ब्रिटिश का मतलब होता है कि जो वी थ्रेड होता है वो ब्रिटिश वाले कैसे उसको बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो चूड़ी का कोण होता है, दो चूड़ियों के बीच का एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है,
और इसमें देखिएगा, इसमें जो चूड़ी का बाह्य व्यास है, बड़ा वाला डायमीटर जो होता है उसको इंच में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और पिच, पिच भी बताएंगे आगे आपको, पिच बताएंगे, बड़ा व्यास बताएंगे, ये सब आगे चीजें बताएंगे। पिच की जगह पे प्रति इंच चूड़ियों की संख्या बताई जाती है, किसमें? ब्रिटिश वी थ्रेड में। अब मैट्रिक वी थ्रेड भी होता है, मैट्रिक का अर्थ होता है कि जो सब जगह लगभग चलता हो। इस थ्रेड में क्या होता है, 60 डिग्री एंगल होता है दो चूड़ियों के बीच में, और जो हमारा जो चूड़ी है वो शीर्ष पर मतलब टॉप पे और बॉटम पे चपटा होता है, ठीक है। और जो भी मैट्रिक वी थ्रेड है उनको हम एम अक्षर से भी नोट करते हैं। एम लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा थ्रेड है, मैट्रिक वी थ्रेड है। अब वहाँ पे मतलब विट्रिक वी थ्रेड में, और इसमें अंतर ये है कि वहाँ पे हम इंच में हम रिप्रेजेंट करते थे किसी भी साइज, यहाँ पे हम मिलीमीटर में करेंगे। बड़ा व्यास, अब एक और बात है, मैट्रिक वी थ्रेड में हम बड़े व्यास मतलब आंत जो मेजर डायमीटर होता है, और जो पिच है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, वहाँ वहाँ पे प्रति इंच चूड़ियों को रिप्रेजेंट किया जाता था, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पिच को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में अंतर है, आगे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया है M50:2। यहाँ पे M का मतलब है कि कैसा थ्रेड होगा, मैट्रिक थ्रेड होगा। 50 का मतलब क्या है कि जिसका अब मेजर डायमीटर है वो कितना है, 50 है। और 2 का मतलब क्या है, पिच कितनी है, 2 mm की है। अब एक और टाइप होता है वी थ्रेड का, क्योंकि हमें वी थ्रेड के ही बारे में पढ़ना है तो उसके तीनों टाइप के बारे में जानना पड़ेगा। वी जो पाइप थ्रेड होता है उसमें चूड़ी का कोर 55 होता है, मतलब ब्रिटिश थ्रेड और पाइप थ्रेड का कोर एक ही है, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है पाइप थ्रेड का, आप मुख्यतया आप लोग जल पाइपों के साथ कपलिंग के साथ देखे होंगे, कपलिंग कहीं जोड़नी हो तो भी पाइप थ्रेड लगा होता है, और कहीं जल जो हमारे घर में पानी की सप्लाई वाला पाइप का थ्रेड होता है वो भी पाइप थ्रेड के अंतर्गत आता है। आर्मेचर में भी पाइप थ्रेड का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब पाइप थ्रेड ऊपर के जो दोनों थ्रेड के प्रकार हैं, ब्रिटिश वी थ्रेड और मैट्रिक वी थ्रेड, उनको जो है हमारा आउटर डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाइप थ्रेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनर डाया से।